केशव प्रसाद ने कहा सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी अत्याचार। देखिए उनकी बात इसलिए मत करो, उनके बारे में इसलिए मत करो, वो चाहते हैं कुछ बनना। वो बेरोजगार कहने अच्छी बात है, हम ही नहीं बेरोजगार है। देखिए हम बेरोजगार नहीं है, एक मिनट में ये बात से ये पूछा है, उन्हें बताना चाहिए कि नौकरी कब देंगे। हम बेरोजगार नहीं है, उत्तर प्रदेश का जितना बेरोजगार है उसको आप गाली दे रहे हो, और सरकार में रह करके आप गाली दे रहे हो। चाचा हमारे साथ हैं और संगठन में हो हमारे साथ। आप उन्हें मुख्यमंत्री बना रहे थे केशव मौर्य जी को, कुछ जवाब आया? उन पे एक विधायक नहीं, अब क्या बना दे मुख्यमंत्री। मुझे मैं भी कंफ्यूज था, मुझे लगता था कि कुछ विधायक होंगे इनके पास। अब सोचिए जो डिप्टी सीएम हो, जिनके पास बजट नहीं हो, जेब खाली। अभी कल परसों मुझे पता लगा, अखबार मैंने पढ़ा कि उसमें एक इन्होंने एम्बुलेंस खरीदी थी, गड्ढा भरने की एम्बुलेंस। सोच सकते हो आप, एक गड्ढा भरने की एम्बुलेंस खरीदी थी, वो एम्बुलेंस ही नहीं चल रही है जब वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे। सोचिए कितने बजट के मालिक थे, और आज जिस विभाग में है उसका अपना कोई बजट नहीं है या डिमोशन हुआ है। लेकिन वो उन्हें तो यही नहीं पता है कि स्टूल क्या होता है, कुर्सी क्या होती है। अगले सर एक लास्ट क्वेश्चन, आपकी सरकार थी एम्स मिला रायबरेली को, और इसके बाद अब 24 का जो चुनाव है उसमें चार आपके विधायक हैं, यहाँ पर क्या लग रहा है लोकसभा की सीट में समाजवादी पार्टी? देखिए अभी देखिए मैं केवल एक नहीं दिया रायबरेली को, मुझे याद है कि जितने भी प्रस्ताव आए होंगे उस समय पर, चाहे सड़कें सेंट्रल रोड फंड के, सैनिक स्कूल के, केंद्रीय विद्यालय के, ये ड्राइविंग वाला जो बना हुआ इंस्टीट्यूट आपका, मोटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपका, ये एम्स का, तमाम प्रस्ताव जो हम लोगों के थे, सड़क बिजली के या सब स्टेशन के, सब प्रस्ताव हम लोगों ने माने थे और काम को आगे बढ़ाया था। ये अभी नहीं किया जा सकता विचार, ये विचार होगा जब चुनाव आएगा उस समय।